जी अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। तो यार आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में कि वो कौन सी ऐसी शॉर्ट ट्रिक है जिसकी वजह से आप अगर उसके लिए काम करोगे तो आपको डेफिनेटली क्लाइंट मिल जाएगा। जिसके पास क्लाइंट नहीं है उनको क्लाइंट मिल जाएगा, जिसके पास क्लाइंट्स हैं ऑलरेडी उसको एक और क्लाइंट मिल जाएगा। एक की बात नहीं कर रहा, बहुत से मिल जाएंगे और मैं भी उसी स्ट्रेटजी पर काम कर रहा हूँ। मैं वो ट्रिक बताता हूँ आप लोगों को जो मैं खुद कर रहा होता हूँ। और ट्रिक ये होती है कि आप लोगों को आपका माइंड कहते हैं कि हाँ यार ये काम हो सकते हैं। अब यार मुझे डेली बेसिस मैसेज आते हैं फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, व्हाट्सएप पे कि सर क्लाइंट नहीं मिल रहा, हमने कोर्स कर लिया। मैं को यकीन करो आप डेफिनेटली, मैं कह सकता हूँ इस बात को हल्फन कह सकता हूँ कि उन लोगों को एक 50 एडमिन डील्स भी नहीं किए होंगे। उन लोगों ने 10 एडमिन डील्स करके हमने जो है वो अब क्लाइंट हमें सर नहीं मिल रहा, हम क्लाइंट कैसे फाइंड करें ये वो। उनको बेसिकली कोर्स भी नहीं आता था, उनको गूगल इंडेक्स का नहीं पता, डू फॉलो नो फॉलो का नहीं पता, ऑर्डर आ जाए तो कैसे कंप्लीट करना ये कुछ पता ही नहीं है। वो क्या करते हैं, वो जो है एक घंटे का प्लेलिस्ट जो है, दो घंटे की जो प्लेलिस्ट है वो देख लेते हैं दो तीन दिन में या एक दिन में, फिर कहते हैं जी हमने कोर्स कर लिया। ऐसा नहीं था मेरी जान। आप लोगों ने अगर एक वीडियो देखी है कि हाउ टू क्रिएट वेंडर शीट, तो उसका मतलब ये होता है कि आप पूरी वेंडर शीट क्रिएट करें, 50-100 ईमेल्स करें, फिर डेली आपकी ईमेल्स चलती रहेंगी, फिर आगे आगे चलें आप। ये नहीं है कि आपने एक घंटे का कोर्स देखकर आप लोगों को लग गया कि मैंने कोर्स कर लिया है, मैंने कोर्स कर लिया। ऐसा नहीं होता, आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है और सीखना पड़ता है, उसके बाद प्रैक्टिस करनी पड़ती है, फिर आती है आपकी क्लाइंट की बारी। ये नहीं है कि एक घंटे में कोर्स कर लिया, अगले घंटे में आपकी अर्निंग आने लग जाए, ये वो काम नहीं है, ये एक प्रॉपर स्किल है। ट्रिक ये है कि जो बंदे कहते हैं कि हमने कोर्स कर लिया है, हमने एडमिन डील्स भी कर ली हैं, हाँ उन लोगों के लिए है जिन्होंने एडमिन डील्स भी कर ली हैं, ऑथर डील्स भी कर ली हैं, एक अच्छी शीट उन लोगों के पास है। अब वो कैसे कर सकते हैं, देखें ब्लॉग रिसर्च एक अपना मेथड है, गूगल एड्स एक अपना मेथड है। आप लोगों को बताऊंगा एक ऐसी ट्रिक जो मैं खुद भी यूज़ करता हूं। आप कोई भी एक टूल ले लें, एरो मेल्स या कैनन मेल्स या इसके अलावा कोई भी टूल जो मार्केटिंग का टूल है, जिसको कहते हैं हम ईमेल मार्केटिंग का टूल, वो आप ले लें। उससे ये होगा कि आप लोगों ने क्या करना है, अपनी ईमेल्स निकलवानी है। आप जो हैं वो किसी टीम को रख लें, आप अपने बंदे को रख लें, खुद कर लें। आप लोग जो हैं वो 200-300 ईमेल्स डेली बेसिस पे निकलवाएं या खुद निकालें, जैसे मर्जी निकालें। और फिर आप लोगों ने टूल्स बाय कर लेना है, उससे ये होगा कि वो आपका जो टूल है वो आपको बताएगा किसने रीड कर लिया है, किसने रीड नहीं किया, जिसने रीड कर लिया वो अलगदा कर देगा। ये पूरा आपको उस पैकेज, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस बंदे से बाय कर लो, जिससे मर्जी आपने लेना है, जो मर्जी टूल आप ले लो, ठीक हो गया। मैंने कैनन मेल्स भी यूज़ किया है, मैंने एरो मेल्स भी यूज़ किया होगा, ठीक हो गया। दोनों के अच्छे हैं, दोनों टूल अच्छे हैं, लेकिन मैं जो है ज़्यादा यूज़ करता हूँ कैनन मेल्स, और मैं यूज़ करता हूँ एरो मेल्स भी, लेकिन ज़्यादा यूज़ करता हूँ मैं कैनन मेल्स। उसमें ये होता है कि एक स्टूडेंट पैकेज है, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा, जिससे आपका दिल चाहता है आप उससे टूल ले लें, कोई भी टूल ले लें, मार्केटिंग का टूल कोई भी ले लें। उससे ये होगा कि मैं जो है मुझे मिलता है 1000 रुपये का मंथ के लिए। मैं क्या करता हूँ उसमें से जो है वो 2000-3000-4000 ईमेल्स मैं हर महीने करता हूँ। उसमें से आप सिंपल ये लगा लें कि 200-300 ईमेल्स मेरी रीड होती हैं, ठीक हो गया। वो टूल का कर देता है अलग, ये हर टूल में फीचर होता है, जो रीड हो रही हैं उनको वो अलग कर देता है, जो अनरीड होती है उनको आप बार बार भी ईमेल्स कर सकते हो, दो दिन बाद तीन दिन बाद फॉलो अप ईमेल्स आप कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, जो रीड कर लेते हैं उनके लिए अलग टेम्पलेट हो जाता है, फिर जो रीड नहीं करते हैं उनके लिए अलग टेम्पलेट हो जाता है। हर चीज़ आप सेट कर सकते हैं और वहाँ पर अपनी कंपेन में रन कर देता हूँ। आप यकीन करें एक महीने में आपको इसका रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि एक महीने में नहीं, दो महीने में अगर आप 10,000 ईमेल्स कर दोगे, 10,000 बहुत ज़्यादा, चलो ठीक है आप कम कर लो, आप 6,000 कर लो, 6,000 ईमेल्स में से आपको एक पक्का क्लाइंट ज़रूर मिल जाएगा। अगर आपकी इतनी भी किस्मत ख़राब है कि आपको नहीं चांस है कोई भी, तब आप 10,000 में से 1% चांस तो होगा। वो कहते हैं 0.001% चांस तो ज़रूर है कि आपको कोई ना कोई ज़रूर रिप्लाई करेगा। कुछ लोग ये कहेंगे नॉट इंटरेस्टेड, कोई बात नहीं, कुछ कहेंगे ज़रूर कि हमें बताओ आप बस वेबसाइट्स कौन सी हैं सारा कुछ, लेकिन इस वे से आपको जो है क्लाइंट ज़रूर मिल सकता है। मेरे स्टूडेंट्स जो हैं, जो मेरा स्टूडेंट है जैन जो हैदराबाद से है, हैदराबाद से नहीं हासिलपुर से है, वो भी ये सेम मैसेज यूज़ करता है, मैं भी यूज़ करता हूँ, और मेरे बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं, तारिक जो है बैच 5 का, वो भी ये चीज़ यूज़ करता है, जिनका मुझे पता है, ठीक हो गया। ये वो मेथड है जिससे गारंटी है कि आपको जो है वो लेस टाइम में आपकी ईमेल्स स्पैम में नहीं जाएंगी, ईमेल्स रीड होंगी, हर चीज़ हो जाएगा, आपको जल्दी है क्लाइंट ढूंढने की। तो ये वो वाहिद मेथड है जिसकी वजह से आप क्लाइंट फाइंड कर सकते हैं। आप सिंपल जो है लिखें हाउ टू
सेंड बल्क ईमेल्स, तो आपको वो टूल्स बता देंगे जिससे आपकी ईमेल्स ब्लॉक हो जाएंगे। लेकिन ईमेल मार्केटिंग टूल कोई भी आप देख रहे हैं यूट्यूब पे जिसकी अच्छी रेटिंग है आप वो ले लें, उससे ये होगा आपकी ईमेल्स ब्लॉक नहीं होंगी। आप एक अच्छा टेबलेट बनाएंगे, अच्छी लिस्ट बनाएंगे, उसके अंदर फिट करें और सेंड कर दें और इसका रिजल्ट आपको विद इन 2 मंथ आपको ज़रूर मिल जाएगा। और ये मैं खुद यूज़ करता हूँ, पर्सनल ट्रिक है मेरी, मैं खुद यूज़ करता हूँ, आप भी यूज़ कर सकते हैं और डॉलर्स कमा सकते हैं मेरी तरह लाखों घर बैठ के सुकून से पंखे के नीचे। ठीक हो गया, बाकी आपकी अपनी मर्जी है आपने किस स्ट्रेटजी से काम कर रहे हैं, आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन ये स्ट्रेटजी भी आप काम करें इस पर भी आपको इसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।